أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو من دياركم ما فعلوه ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعدون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما वलदैना मुस्तीम और हम अगर लोगों पर ये बात फ़र्ज कर देते कि तुम खुदकुशी किया करो या अपने वतन से बेवतन हो जाया करो तो बजुज मदूद चंद लोगों के उस हुक्म को, को कोई बजा न लाता और अगर ये लोग जो कुछ उनको नसीहत की जाती है उस पर अमल किया करते तो उनके लिए बेहतर होता और ईमान को ज़्यादा पुख्ता करने वाला होता और इस हालत में हम उनको ख़ास अपने पास से अजर अजीम मत फ़रमाते और हम उनको सीधा रास्ता भी बतला देते सुरा की तीन आयत आपके सामने पढ़ी गई छियासठ सड़सठ और अड़सठ नंबर तीन आयत इन तीनों आयत का ताल्लुक़ भी पिछले वाकयात से है पीछे आपके सामने एक मुनाफिक और यहूदी का वाक़ बयान किया गया था कि मुनाफिक ने तो ये कहा कि चलो का भी अशरफ के पास जाएंगे फैसला कराने के लिए और यहूदी ने कहा था कि नहीं चलो नबी करीम वसल्लम के पास फैसला कराने के लिए जाएंगे बादल खासता यहूदी और मुनाफिक दोनों हजूर सल्लास की खिदमत में आए तो अल्लाह के रसूल सल्ला चलम ने हक इंसाफ को मलहूज रखते हुए यहूदी के हक़ में फ़ैसला किया एक तो ये वाक़ बयान किया गया दूसरा वाक्य जो कल बयान किया गया था वो हज़रत ज़ुबैर बिन आवाम और एक अनसारी साहबी का वाक़ बयान किया गया था जो दोनों के दरमियान पानी के सिलसिले में तनाज़ा पैदा हुआ था तो अल्लाह के रसूल सल्लासम ने भी यहाँ पर हक़ाना इसाफ़ को मरहूज रखते हुए हज़रत ज़ुबैर बिन आवा रजी अल्लाह तू के हक़ में जब फ़ैसला फरमाया तो वो अनसारी कहने लगे कि आपने अपने फूफू ज़ात भाई के हक़ में फ़ैसला किया मुँह देख कर ये फैसला किया ये दोनों वाक़ कल और पर जुमरात के दिन बयान किए गए थे इन्हीं दोनों वाक़ ये जब शोहरत मजीरे में यहूदियों के यहाँ हुई कि देखो मुसलमानों के बारे में जो है अल्लाह के रसूल सल्लाम ने फैसला किया और एक मुनाफिक जिसको यहूदी लोग मुसलमान ही समझते थे फ़ैसला किया तो उन लोगों ने अल्लाह के रसूल वसल्लम के फ़ैसले को मानने से एराज किया इनहराफ किया ये दोनों वाकयात इन आयात की तफसीर में बयान किए गए हैं और मुफ्सिनी ने बयान किया है तो यहाँ पर बताना यहाँ पर यह है इन आयात की रोशनी में कि मदीने में इन दोनों वाकयात की शोहरत हो गई यहूदी लोग मुसलमानों पर तंज करने लगे और तनकीद करने लगे तारीस करने लगे कि देखो तुम्हारे नबी ने तुम्हारे जो है तुमको एक चीज का हुक्म दिया तो तुमने जो उस हुक्म पर अमल नहीं किया हम लोगों को देखो यहूदी क्या कह रहा हम लोगों को देखो अल्लाह तौबा की कबूलियत के लिए कतले आम का हुक्म दिया तो हमने वो काम भी कर दिया कतले आम का हुक्म दिया इशारा किस वाकई की तरफ है कि हजरत मशाच पहाड़ पर किताब लाने के लिए गए तो इनकी गैर हाजिरी में यहूदियों ने एक बुत बना लिया बछड़ा गाय का बच्चा जो था उसका बछड़ा बना लिया और उस बछड़े के लोग परस्ती करने लगे पूजा करने लगे जब हजरत मुसार तूर पहाड़ से आए बड़ा लंबा चौड़ा वाक बयान किया गया सुने जो है बकरा के अंदर जब मुसार तूर पहाड़ से वापिस आए तो अपनी कौम को देखा कि बुत परस्ती के अंदर मुबतला हो गई है बछड़े की इबादत करने लगे बोलो तो मुशा बड़े ही नाराज हुए तो अल्लाह ताला ने उस कौम की तोबा की कबूलियत के लिए यह हुक्म दिया तुम लोग आपस में रात की तारीकी में एक दूसरे को आम करो आम करना शुरू करो चुनाचे उन लोगों ने ये काम किया और रात की तारीकी में कोई भाई को कोई बाप को कोई बेटे को इस तरीके से कतल होने लगे सत्तर हजार यहूदी कतल हुए तो हजरत मुसार तो अल्लाह से दुआ मांगी या अल्लाह अगर ये लोग पूरे के पूरे कतल हो गए तो फिर जो है हम आपकी कहावत और आपकी तब्दील किन के सामने पेश करेंगे हमारा मकसद ही बेकार हो जाएगा दुनिया में आने का तो अल्लाह तला ने उनकी तोबा कबूल कर ली जो मर गए उसके भी तोबा कबूल हो गई और जो जिंदा रहे उसकी भी तोबा कबूल हो गई इस वाक्य की तरफ ये यहूदी इशारा कर रख देखो हमको अल्लाह ने ऐसा हुक्म दिया तो हम लोगों ने अपनी जानों को भी कुर्बान कर दिया तोबा की कबूलियत के लिए और तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के दावेदार हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हो और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने के दावे के बावजूद भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुमको हुक्म दिया तो तुमने जो है नहीं माना उस यहूदी ने जब एतराज़ किया तो ये तीनों आयात कुरान की नाजिल हुई इन आयात के अंदर मुसलमानों को एक तंबी तो ये की गई कि तुम अपने तनाजात और अपने मुकदमत और अपने खसूम का खदमत में पेश करो गैरों के पास कर रहे हो यह तुम ये तो बिल्कुल गलत बात है तुम्हारा कोई मसला पेश आया तुम्हारी कोई प्रॉब्लम आई तो तुम अपने तमाम मसाइल का हक हल जो है नबी करीम सलम की खिदमत में आकर के पेश करते रसूल सल्ला ने जो फैसला किया उसको तुम मानते लेकिन तुमने इसके बजाय गैरों के पास जाने की बात कही काबिबरफ के पास जाने की तुमने बात कही या जो अंसारी के खिलाफ फैसला हुआ उस फैसले को भी तुम मान लेते कबूल कर लेते तुमने उस पर भी इनकार किया और तुमने तराज किया अपने चचेरे अपने फुफेरे भाई को देख कर आपने फैसला किया एक तो ये बात हो गई मुसलमानों को इस पर तब की गई है कि अपने तमाम मसाइल का हक हर कुरान और हदीस की रोशनी में करो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की तसीब दे गए लेकिन शरीयत तो छोड़ कर के गए कुरान हदीस तो छोड़ कर के गए कुरान हदीस की रोशनी में तुम अपने तमाम मसाइल को हल किया करो अपनी मर्जी के मुताबिक कोई मसला हल मत किया करो या किसी खैर के पास मत जाया करो जैसा कि आज हमारे बहुत सारे मुसलमान गैरों के पास जाते अदालत में जाते पुलिस स्टेशन में जाते ऐसा मत करो बल्कि कुरान हदीस की रोशनी में तुम अपने मसाइल को हल किया करो एक तो ये बात हो गई उसके बाद दूसरी बात जो यहां पर निहायत ही अहम बयान करनी है वो ये कि जब ये आयात करीमा नाजिल हुई तो इन आयात करीमा और अल्लाह तला ने दो बातें बयान फरमाई एक क्या बात बयान फरमाई ये कि अगर तुमको खुदकुशी का हुक्म दिया जाता यानी अपने नफ्स को कतल करो और या तो अपना वचन छोड़ दो दो बातें बयान की कि अगर अल्लाह तुमसे ये कहते कि तुम अपनी जान जो है ले लो तो ये जान भी लेना मुश्किल हो जाता और अगर तुमसे ये कहा जाता कि तुम अपने वतन को छोड़ दो तो ये भी मुश्किल हो जाता अपना वतन छोड़ना आदमी को बड़ा गर गुजरता बड़ी मुश्किल होती वतन छोड़ने में तो तुमको इन दोनों बातों में बड़ी मुश्किल पेश आती लेकिन साहबा चराम की जानिस देखिए फिदाकारी देखिए और अल्लाह के रसोलम की मोहब्बत की मिसाल देखिए कि बाद सहाबा चराम ने इन आयात के नाजिल होने के बाद क्या फरमाया उन साहबा चराम में जरत अब बकरी रजील् ताराम आता हजरत अब्दुल्लिन मसूद अब्दुल्लिन तन का नाम आता ये वो फारूक आता ये वो साहबा जिन्होंने इन आयात के नाजिल होने के बाद क्या ये कहा यह कहा खुदा की कसम अल्लाह ने हम लोगों को इस किस्म की आजमाइश से हम लोगों को महफूज रखा लेकिन खुदा की कसम अगर अल्लाह ताला हम लोगों को ये हुक्म देते कि अपनी जान को तुम ले लो यानी खुदकुशी कर लो अपनी जान को कुर्बान कर दो तो खुदा की कसम हम अपनी जान को कुर्बान भी कर देते ये इन साहबा क्राम में से इन लोगों ने कहा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु सल्म को जब ये बात पहुंची और ये करीमा पहुंचा कि बात साहबा कराम ऐसा करें जैसा कबूबर सिद्दी रजी अल्लाह तन ने कहा हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तन ने कहा इन लोगों ने जब कहा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन लोगों का ईमान पहाड़ से भी ज्यादा मजबूत है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ईमान की क्या कर रहे हैं कि इन लोगों का ईमान पहाड़ से भी ज्यादा मजबूत है जिस तरीके से पहाड़ मजबूत होता उसकी जगह से उसको हटाना मुश्किल होती इसी तरीके से इन लोगों का ईमान भी पहाड़ से ज्यादा मजबूत है ताकतवर है अगर अल्लाह ताला ऐसा हुक्म देते कि तुम अपनी जान को कुर्बान कर लो खुदकुशी कर लो तो ये वो लोग कर लेते और ये इशारा किया हजरत अब्दुल्लबी मसूद की तरफ और हजरत अबू बकर सिद्दीक की तरफ और बादशाहबा कलम की तरफ इशारा किया ये लोग अगर ऐसा अल्लाह का हुक्म आता तो ऐसा कर गुज़रते और कर गुज़रते इन लोगों को कोई मसला नहीं था और दूसरी बात यह है कि जब वतन से बेवतन की जो इस आयत करिमा के अंदर बात आई है तो साहबा कलाम ने ये करके दिखाया ये काम करके दिखाया बहुत सारे मुसलमानों ने मक्का छोड़ दिया अपना वतन अजीज जहाँ आदमी पैदा होता वहाँ के जर्रे जर्रे से वहाँ की दरो दीवार से वहाँ की मिट्टी से वहाँ की हर चीज से इंसान को मोहब्बत होती लेकिन जब साहबा कराम को अल्लाह तला ने हुक्म दिया कि तुम लोग हिजरत करो तो साहबा कराम ने अपना वतन छोड़ दिया अपना माल छोड़ दिया अपने बीबी बच्चों को छोड़ दिया अपने अजीज वक़ारीब रिश्तेदार दोस्त अहबाब सबको छोड़ करके मक्के से मदीना तशरीफ ले गए बहुत सारे मुसलमान हमसा हिजरत करके तशरीफ ले गए तो अल्लाह तला ने जो इशाइते के नमा के अंदर जो दो बातें बयान फरमाई उनमें से तो एक पर तो साहबा कराम ने अमल करके दिखा दिया और दूसरे पर भी मैं कहता हूँ यकीन के साथ मेरा ये यकीन है और मुसलमानों का भी यकीन है कि साहबा किराम को अगर ये हुक्म होता कि तुम तुम लोग अपनी जानों को कुर्बान कर दो तो साहब किराम ये कर गुजरते उनके लिए कोई मसला नहीं था बीवी बच्चों को छोड़ना जायदाद को छोड़ना वतन को छोड़ना जब उनके लिए आसान था तो अपनी जान कुर्बान करना भी उनके लिए आसान होता और आखिर में अल्लाह क्या फरमा रहे इन आयात के अंदर अल्लाह फरमा रहे कि अगर वो लोग इन बातों पर अमल करते यानी आहकाम खुदाबंदी पर और रसूल सल्लाम के फैसले पर राजी रहते और अमल करते तो अल्लाह तक अजर आजीमता फरमाते उनको अल्लाह उनके तराकब को उनके दर्जात को बुलंद फरमाते और अल्लाह ताह रास्त को आसान कर देते और अजीब भी आता फरमाते और हिदायत के रास्ते को उनके लिए अल्लाह क्या करते आसान फरमा देते तो इन आयात के अंदर उन्हीं दो वाक्यात की तरफ इशारा है कि जब ये वाक्यात पेश आए तो यहूदी ने ऐतराज किया तो अल्लाह तला ने ये दोनों बातें इन आयात के अंदर बयान फरमायी कि अगर तुमको ये कहा जाता जान ले लो या वतन से बेवतन हो जाओ तो तुम्हारी पेश आती लेकिन दूसरी बात पर तो सहाबा ने अमल करके बता दिया पहली बात, जान करने की बात अगर अल्लाह तरफ से ऐसा भी तो फरमान आता हुक्म आता तो खुदा की जात से मुझको यकीन एक कि वो लोग ऐसा भी कर गुजरते अल्लाह तला से दुआ है कि अल्लाह तमाम मुसलमानों को मुकम्मल छियत मतरा पर अमल करने की तोफी खतः फरमाए सुबह